हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब हमारे यहाँ मौसम बहुत बदलने लग गया है। अब हमें गार्डनिंग में दो काम बहुत जरूरी करने हैं। एक तो विंटर गार्डन की तैयारी करनी है कि हम आगे आने वाला जो हमारा टाइम है उसके लिए हम पॉटिंग मिक्स और पॉट्स रेडी करके रखें, क्योंकि दिवाली से थोड़े बाद ही हमें विंटर्स के प्लांट मिलने शुरू हो जाएंगे और कहीं कहीं तो अभी भी मिलने शुरू हो गए होंगे। और दूसरा मेन चीज़ है कि जो अब हमारे समर के प्लांट हैं उन्हें हम नेक्स्ट सीजन के लिए बजा कर रख लें। तो आज मैं यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपने पोर्टुलिकास और पर्सलिन को अगले सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप मेरे इस चैनल को जरूर शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एवरीडे विद रिचा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये देखिए, अब जो ये पर्सलिन है और पोर्टुलिकास हैं इनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा है। अब ये उतने बड़े नहीं हैं जैसे समर्स में होते हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने पर्सलिन और पोर्टुलिकास को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो जैसे ये मेरा पर्सलिन पोर्टुलिका का प्लांट है, आप देख सकते हैं इसका जो फ्लावर साइज है अब वो बहुत छोटा हो गया है एज कंपैरिजन टू समर। तो अब हमें क्या करना है, इसकी कोई भी हेल्दी ब्रांच लीजिए, आपके पास जितने भी कलर्स हैं पोर्टुलिकास के वो सारे कलर्स के एटलीस्ट 5-5 ब्रांच आप ले लीजिए और इस तरह आप उसके ब्रांच को अलग कर लीजिए और उसके बाद उसके नीचे से इस तरह आप इसको नीचे के लीव्स निकाल दीजिए अच्छे से, और इस तरह बंच बनाकर एक कलर का एक बंच बनाकर आप अपने अकॉर्डिंगली जितने आप बंच बनाना चाहते हैं, और कोई भी प्लांट लीजिए जिसमें एक अलग पॉटिंग मिक्स हो आपका, इस तरह का पॉटिंग मिक्स लीजिए और उसमें इसको इस तरह इंसर्ट करके रख लीजिए। आप मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आपके जितने भी कलर हैं एटलीस्ट हर का आप दो दो बंच बना के रखिए और इसको किसी भी छाया वाली जगह पे जहाँ पर इसको ज्यादा धूप और ज्यादा ठंड ना लगे वहां पर इसको इस तरह सेव करके रख दीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट सीजन के लिए ये बचा रहे, क्योंकि सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, ये डोरमेंसी में चला जाता है, बिल्कुल ब्लूम नहीं करता, तो इसके सूखने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर हम इस तरह इसको क्लटर बनाकर रखते हैं। और अभी तो टाइम है, अगर हम बनाएंगे तो इसका रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा और ये सर्दियों को निकाल लेगा आराम से, और नेक्स्ट जब आपका सीजन आने वाला होगा समर्स का तो इसमें से छोटी छोटी कटिंग आप अलग अलग जगह पर लगाकर इसको दोबारा से फ्लरिश कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे पोर्टुलिका और पर्सलिन को अपने नेक्स्ट सीजन के लिए संभाल के रख सकते हैं। इससे आपका एक्सपेंस भी नहीं होगा, आपकी पुरानी कटिंग से ही आप अगेन बहुत सारे पोर्टुलिकास नेक्स्ट सीजन में एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं इस तरह आपकी DIY डेकोर और गार्डन रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, और निक नेक्स मैं रील वगैरह इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती हूँ, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।